हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर दिव्या मशरूम फार्म। ये वो वाला रूम है जिसमें माई थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, मोल्ड आ गया था। तो बीच में तो कुछ वीडियो बनाने के लिए था नहीं, क्योंकि अभी ये सारा का सारा केस रन ही चल रहा था। केस रन के बाद भी देखिए, माइसीलियम तो ठीक आ गया है, इसमें काफ़ी मेहनत करी है, बहुत ट्रीटमेंट किया है इसमें। अब की बारी हमने कुछ अलग तरीके से किया है और मोल्ड तो इसका निकाल दिया है लगभग जितना भी ऊपर सरफेस में हमें दिखाई दिया था। बैग तो ठीक है, ये देखो माइसीलियम तो ठीक आया है। अभी इसमें जिप्सम और जिप्सम बेविस्टीन चूने का एक प्रोपोर्शन मिला के मोल्ड निकाल के हमने सूखा डाला है, इस पर वाटरिंग नहीं करी है, क्योंकि वाटरिंग से मोल्ड जो है फैल जाता है वो। तो हमने इस पर सूखा ट्रीटमेंट किया है अब की बारी, तो उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। ये जो यहाँ पर हैं बैग, ये अच्छे हैं। आज इस रूम की मैं कवरिंग करवा रही हूँ, क्योंकि रफलिंग इसकी नहीं करवाई थी, क्योंकि मोल्ड जो है स्टिल देयर इज सम मोल्ड, अभी मोल्ड है जिंगे जिंगे पर। तो अगर हम मोल्ड की रफलिंग दे, फिर प्लास्टर मोल्ड भी आया हुआ है, ऐसे तो सारे आया, स्ट्रोमा भी, ग्रीन मोल्ड अभी, वाइट मोल्ड, हर तरीके का मोल्ड है इन बैग्स में। लेकिन ये है कि अभी स्टेबल है कंडीशन, मुझे लग रहा है पहले से प्रॉमिसिंग है, तो रिजल्ट ठीक आने के चांसेस है। काफी सही सा चल रहा है अभी, तो आज इसकी मैं कवरिंग ही करवा रही हूँ, इसकी रफलिंग नहीं करवा रही हूँ मैं, क्योंकि रफलिंग से जो भी बैग के ऊपर मोल्ड है वो जितनी पैच में है वो पूरे बैग में फैल जाएगा और वो तो फिर कंट्रोल में आएगा ही नहीं। तो इसकी कवरिंग करने का रफलिंग करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए हम इसकी कवरिंग ही करवा रहे हैं अभी इस वाले रूम की, इन बैग्स की। यहाँ पे देखिए, तो आज कवरिंग हो जाएगी इसकी, उसके बाद इसको एयरिंग पे ले लेंगे। इसमें अभी मोल्ड है, बहुत जगह मोल्ड है, ऐसी बात नहीं है मोल्ड नहीं है, मोल्ड तो इसमें अच्छा खासा मोल्ड था, पर इतनी सफाई करी हमने, इतनी सफाई करी है कि बहुत ज्यादा सफाई करी है। कवरिंग में ये वाले बैग जो है इनकी कवरिंग हो गई है, इधर ये इनके भी कवरिंग बची हुई है, तो आज लगे हुए हैं सब कवरिंग करने के लिए। ये इस तरीके से हम बैग से कवरिंग करते हैं। बस इसका माइसीलियम जो है, बैग का जो माइसीलियम है, सिर्फ वो हमें हल्के से हाथ से कवर करना है। ज्यादा थिक अगर होगा तो उसको फिर इतना ही टाइम लगेगा मशरूम्स को ग्रो करने में, ऊपर आने में, पिनिंग बनने में। अभी पीछे एक बार किसी की वीडियो मैंने देखी थी, उसने इतना थिक माइसीलियम जो है वो कवर कर दिया इससे कि वो उसको बहुत परेशानी आई हुई थी बहुत ज्यादा। तो ये हल्के हाथ से कवर करना है।